हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज यूजेस, एंड हमने कुछ स्ट्रेचिंग के मोड्स देखे, वाइब्रेशन के मोड्स देखे थे कि हमारी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दो तरह के मोड्स होते हैं, उसमें हम कैसे कैसे कोई मॉलिक्यूल हमारा वाइब्रेट कर सकता है, या तो स्ट्रेचिंग से या फिर बेंडिंग से। तो हमने वो सब लास्ट क्लास में देख लिया था। लास्ट क्लास की वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेक कर लेना। उसके बाद हम आ जाते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। देखो, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, जो हमने बोन को वाइब्रेट करता है, या तो स्ट्रेचिंग के थ्रू करता है या बेंडिंग के थ्रू करता है। तो जो स्ट्रेचिंग कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जरूरी नहीं है जो है वही हो, वो चेंज भी होती रहती है। हर मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होती है, जैसे कि सिंगल बोन के लिए अलग होती है, डबल बोन के लिए अलग होती है। तो वो सब कैसे पता चलता है, किसकी ज्यादा किसकी कम, वो हमें कैसे पता चलता है, तो वो सब यहां पर हम जानने वाले हैं इन फैक्टर्स से। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो पहला जो हम देखने वाले हैं वो है फोर्स कॉन्स्टेंट एंड रिड्यूस्ड मास। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं फोर्स कांस्टेंट या फिर रिड्यूस मास के अकॉर्डिंग। एक फॉर्मूला है जो पहले भी पढ़ चुके हो, बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है, जो हमारा हुक्स लॉ होता है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या मानते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। यानी जहां पर के हमारा फोर्स कॉन्स्टेंट होता है, म्यू हमारा क्या होता है, रिड्यूस्ड मास होता है। तो यहां पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी मान लो इसको, तो ये हमारी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स कांस्टेंट के, और इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, म्यू के। तो यानी जब हमारा रिड्यूस्ड मास ज्यादा होगा, अप वाले एरो का मतलब समझ जाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया गया है। तो रिड्यूस्ड मास ज्यादा होगा तो जो न्यू है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो हमारी जो ये स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज करेगी, और हमारा जो फोर्स कांस्टेंट होगा, जैसे जैसे फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज होगा उसी तरीके से हमारी जो न्यू है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जैसे हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है तो क्या चीज होती है, देखो जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड वालों का फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होता है देन डबल वालों से, और फिर सिंगल का सबसे कम होता है। तो ये हमारी यही रीजन था, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो ट्रिपल की फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो सबसे ज्यादा रेंज में आ रही थी। ठीक है, तो वो क्यों उस रेंज में आ रही थी, जस्ट बिकॉज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज हायर देन दैट ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर ज्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी ज्यादा आती है। ठीक है ना, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं रिड्यूस मास का। जैसे हमारी होती है कार्बन आयोडीन ClBrI, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आई है, आयोडीन है, इसका जो मास होगा वो ज्यादा होगा ब्रोमीन से एंड क्लोरीन से भी ज्यादा होगा। तो जब इनका मास ज्यादा होता है तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, और होती भी यही है। जो कार्बन आयोडीन की फ्रीक्वेंसी होती है इस वाले बॉन्ड की, वो होती है 500 की रेंज में, ये 600 होती है, ये 700 होती है। ठीक है, तो ये इस वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि रिड्यूस मास जब बड़ा हो जाएगा, ज्यादा होगा, तो हमारी स्ट्रेचिंग की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो डिक्रीज करेगी। ठीक है ना, ठीक है। साथ साथ हम देख लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड की क्या होती है, 2150 ये इस रेंज में होती है। जो हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं उनकी रेंज होती है वो 1200 के आसपास होती है, जो डबल बॉन्ड है वो 1650, एंड जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो 2150, इस रेंज में आते हैं। देखो यहां पर हम रीजन भी साथ साथ जान रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है फ्रीक्वेंसी पे, साथ साथ हम इनकी फ्रीक्वेंसीज को भी जान रहे हैं कि इनकी एक्चुअल में होती क्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जब ब्लास्ट खत्म हो जाएगा तब हम फिर सबकी एक कंबाइंड टेबल बनाएंगे जिसमें हम सबकी वैल्यू लिखेंगे कि इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसकी इतनी है, तो वो सब हम लास्ट में करेंगे जब कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल तो इनको साथ साथ ये लिखते रहो ताकि ये आराम से आपको याद रहे कि हाँ इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, इसकी इतनी। ठीक
ठीक है। कम चार्जर का रीजन आपका रिड्यूस मास और फोर्स कॉन्स्टेंट है कि कम की हो रही है इसकी, ज्यादा की हो रही है, बाकी इनकी रेंज जो है वो ये होती है। कंप्लीट हो गई, सेकंड करते हैं। अब यही फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, उसी में आपकी सारी रेंज भी आ जाएंगी और ये समझ भी आ जाएगा फैक्टर्स कि क्या क्या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। सेकंड आपके होते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस। देखो वैसे बेंडिंग वाले का केस भी फर्स्ट वाले जैसा ही है, तो उसको उसी में इंक्लूड कर लो, सेकंड भी मत मानो। जो बेंडिंग वाइब्रेशन होते हैं, हमने कहा था कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों से। तो क्यों कम होती है? बिकॉज फोर्स कॉन्स्टेंट कम होता है। तो ये फोर्स कॉन्स्टेंट वाली में ही लिख लेना, फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन इज लो, ठीक है। फोर्स कॉन्स्टेंट जो होता है इसका लो होता है, इसी वजह से हमारा के की वैल्यू कम तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी कम, तो इसीलिए इसका फोर्स कॉन्स्टेंट कम है तो इसके वाइब्रेशन की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी। तो बेंडिंग वाला भी उसी का केस है, ये फोर्स कॉन्स्टेंट ही इसका रीजन होता है बेंडिंग वालों का, इस वजह से हमारी कम होती है। नेक्स्ट सेकेंड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, देखो तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन देखते हो आप, एसपी, एसपी टू, एसपी थ्री। हाइब्रिडाइजेशन तो और भी होते हैं लेकिन मेनली हम देख रहे हैं एसपी, एसपी टू, एसपी थ्री, इन तीनों के बारे में। तो जो एसपी होते हैं हमारे वो कौन से वाले होते हैं, जिनमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है इस तरीके से, ठीक है, इसी तरह की वैल्यू होती है ना, एक एच होता है बाकी का ये, यहां पर कोई और ग्रुप लगा होता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी मान लो कोई ऐसा ग्रुप मान लो, यहां हम सिंपल बस इसको इतना मान रहे हैं। तो हमें देखना है एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। कार्बन के यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड है, इसलिए बन गया हमारा एसपी। अगर हमारा ऐसे होता तो ये क्या हो जाता हमारा वन टू थ्री एसपी टू, और अगर हमारा ये कार्बन इस तरीके से होता तो ये क्या बन गया हमारा वन टू थ्री फोर एसपी थ्री। तो जो इस तरीके से होता है हमारा, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पर फिर वही बात आ जाती है कि इसका फोर्स कॉन्स्टेंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन वाले केस में भी क्या हुआ है, फोर्स कॉन्स्टेंट ज्यादा हो गया है यहां पर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, यहां डबल है यहां सिंगल है, तो यानी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी किस तरह होनी चाहिए, इस वाले ऑर्डर में होनी चाहिए, राइट। इसकी जो रेंज होती है वो ये होती है, जो भी हमारे एसपी हाइब्रिडाइजेशन वाले होते हैं वो 3300 पर सेंटीमीटर वाली रेंज में होते हैं, यानी इनकी बहुत ज्यादा रेंज होती है। डबल बॉन्ड वाले 3100 एंड 2900, इस तरीके से। देखो इस चीज में ना फर्क है, आप ऐसे ले रहे हो या फिर ऐसे ले रहे हो। यहां तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड था, कार्बन कार्बन का बॉन्ड आपने देखा था लास्ट जो इससे पहले हमने किया था, वो कार्बन कार्बन का बॉन्ड था। यहां पर कार्बन के साथ में यहां पर कोई और ग्रुप भी हो सकता है, सीएन भी हो सकता है, और इधर की साइड जो है आपका, ठीक है, यहां पर कोई और ग्रुप भी हो सकता है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बीच में होना कार्बन कार्बन के और कार्बन से पहले होना, इसमें डिफरेंस है। तो इनकी जो रेंज होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर वो हाइब्रिडाइजेशन वाली बात आ गई, एसपी का सबसे ज्यादा, तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस, रेजोनेंस से क्या होता है, देखो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ता है। रेजोनेंस क्या होता है हमारा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो होता क्या है, देखो हमारा कोई भी सीओ बॉन्ड है फिलहाल इस तरीके से है, तो इसकी जो रेंज होती है वो 1715 इस वाली रेंज में होता है ये, ठीक है। पर अगर इसी मॉलिक्यूल को हम कुछ इस टाइप से कर दें कि यहां पर कोई डबल बॉन्ड की फॉर्म में आ गई, ठीक है,
मान लो इस तरीके से लग गया कि डबल बोन के साथ जो है सीओ वाले डबल बोन में कॉन्जुगेशन आ गया है, कॉन्जुगेशन वाला डबल बोन आ गया है, तो क्या चेंजेस आएंगे? ऐसा करने से इसकी रेंज कुछ इस टाइप से हो जाएगी, यानी पहले जो 1700 से अबो थी अब वो 1700 से लेस हो जाएगी। ठीक है, इसमें इतना डिफरेंस हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? देखो, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लोन पेयर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर हम यहाँ पर इस सीओ बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कराएं, डबल बॉन्ड को ऐसे डीलोकलाइज कराएं, और यहाँ पर क्योंकि कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है वो अगर यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये वाला जो बॉन्ड है ये सिंगल बन जाएगा, ये डबल, ये सिंगल, इस तरीके से ये चीज हो जाएगी, तो यहाँ पर ओ माइनस आ जाएगा। तो हुआ क्या है, देखो यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन की वजह से सिंगल बॉन्ड बन चुका है, तो डबल बॉन्ड का फोर्स कॉन्स्टेंट ज्यादा होता है। ठीक है, डबल वाले का फोर्स कॉन्स्टेंट ज्यादा होता है, के वैल्यूज की, के वैल्यूज की ज्यादा होती है देन सिंगल वाले से। तो जब ये डबल बॉन्ड था हमारा तब तो इसकी वैल्यू आ रही थी हमारी ज्यादा फोर्स कॉन्स्टेंट की, दैट्स वाई हमारी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा थी। अब क्या हुआ है कि जो ये सीओ बॉन्ड है हमारा ये ब्रेक कर चुका है, कॉन्जुगेशन की वजह से ऐसा हुआ है कि ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया है। अब सिंगल की तो कम आनी चाहिए ना फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है। तो रेजोनेंस से ये फर्क पड़ता है, फोर्स कॉन्स्टेंट का फर्क पड़ता है कि डबल बॉन्ड जो है सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है और फोर्स कॉन्स्टेंट भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है, दैट्स व्हाई स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑल्सो चेंजेस। तो हमने देख लिया फोर्स कांस्टेंट और हमारे रिड्यूस मास से क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे कुछ रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन इन सब पे क्या फर्क पड़ रहा है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे। तो अभी तो हम इतना ही करते हैं इस क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एंडोसाइक्लिक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड क्या होते हैं, तो हमें एक क्वेश्चन की फॉर्म में उसको करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी लेंगे साथ में, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या होती है, पूरी टेबल हम देख लेंगे कि ये किसकी वैल्यू क्या होती है स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी की। तो अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।